रहमान रहीम, मैं आपका होस्ट राणा नसीर अहमद नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत। आज हम एक ऐसी लोकेशन पे आए हैं जिसके बारे में हमें बताया गया है कि यहाँ जिन्नात काफ़ी तादाद में इधर है और लोग जो इधर ना बिल्कुल भी नहीं इधर का रुख करते। तो आज हम इधर आए हैं देखने के लिए और ये जांचने के लिए कि हम भी कैमरे की आंख से कुछ अगर हमारे सामने है तो कैप्चर कर सकें और आपको लोकेशन दिखा सकें और आपको ये रियलिटी दिखाएं। हमारी कोशिश नाज़रीन यही होती है कि आपको सच और हकीकत दिखाई जाए। तो आए मेरे साथ, मैं अपने कैमरामैन भाई आमर से बोलूँगा कि मेरे साथ आएँ और इधर ये लोकेशन दिखाएं हम आपको। इधर से ये किधर है, ये कमरा एक बंद है अंदर से रात में। हाँ जी बंद है। अंदर से कैसे बंद है, इसकी समझ तो मुझे भी नहीं आई कि ये अंदर से कैसे बंद है। अंदर से बंद है, चलो दूसरा देखते हैं चल के। ये देखते इधर आएंगे, ये भी बंद पड़ा होगा और सवाल है किसी। ये दिखाएंगे, ये क्या चीज है? मेरे हिसाब से किसी खोपड़ी है कोई, जैसे अमर भाई इसको जरा देखे गौर से। मैं कोई स्टिक वगैरह, हाँ ये स्टिक मेरे पास पड़ी है। यार क्या चीज है ये? खोपड़ी है। हाँ? खोपड़ी है ये। अच्छा, ये नहीं पता कि किस चीज की है। बिल्कुल ऐसे है। हाँ। और ये काफी पुरानी लगती है मुझे। लगता है ये ना, अब ये तो हम नहीं अंदाजा लगा सकते नाज़रीन कि ये किसी इंसानी हड्डी का हिस्सा है या कोई किसी जानवर का है। इधर ये देखें, इसके अंदर चाल के देखें, इसके अंदर क्या देखें। आगे आगे ये भी बिल्कुल एक खस्ता हाली का मुंह बोलता सबूत है। ये बिल्कुल साफ, यहाँ पे बहुत गंदी स्मेल आ रही है। स्मेल आ रही है और पता चल रहा है कि इधर पहले रहश थी और लगता है लोग रहश पजीर थे, लेकिन अब हालात वाकयात से जाहिर होता है कि ये देखें पता नहीं कितना अरसा हो गया है और लोग इधर जो है ना कूच मकानी कर गए। ये भी ऐसे लगता है जैसे कमरा था पहले। क्यों अमर भाई, ऐसे लगता है जैसे ये ना पहले कमरा, ये मेरे ख्याल से ये ना किचन वगैरह था। और अब देखिए इसके अंदर ये पौधे और तकरीबन से तकरीबन ये 160 या 70 साल पुराना है। ऐसे ही बताया गया हमें कि बहुत पुरानी इमारत है और इसमें बहुत सारे जो है ना वो ये भी पड़ी है। ये देखें इधर है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, है कि नहीं? जी जी, ये भी पता नहीं किस चीज की है। यार ये ऐसे तो नहीं लगता जैसे किसी, ऐसे लगता है जैसे किसी इंसान ने की है, यानी कि किसी बच्चे वगैरह की। इस तरह हो सकता है कि किसी ने इस पर काला जादू किया हो, ये भी हो सकता है। ये देखो ये इधर से सही नजर आती है, ये देखो।
और चेक करते हैं शायद कुछ मिल जाए। ख्याल से ये किधर से है? उधर देखिए आई किधर से? ये समझ आई यार, यहाँ से पीछे आ जाए। देखिए कोई चीज अगर है तो हमारा मकसद आपको परेशान करने का नहीं है, ना हम आपको परेशान करने के लिए आए हैं ना ही हम आपको तंग करने के लिए आए हैं। तो अगर कोई चीज है तो ये बात कर सकते हैं, ये चीजें बिल्कुल ऐसे आवाज चलने की आवाज आती है। और देखिए हमारा मकसद आपको परेशान करने का नहीं है, ना हम आपको परेशान करने के लिए आए हैं। तो इस कमरे में क्या है? बिल्कुल ऐसे यहाँ पे तो बदबू ही कितनी गंदी है। इस कमरे को छोड़ दो मैं तो कहता हूँ, क्योंकि इधर तो बहुत ये दिखाएगी कमरा बंद पड़ा हुआ है, ये भी बंद पड़ा हुआ कमरा। और ये इधर इधर पड़ा है, ये दिखाएं कि देखें क्या हालत, आप अंदाजा लगाएं नाजरीन के ये कितनी पुरानी इमारत और ये कब से जो है ना खाली ग्राउंड पड़ी है और खंडर का नमूना पेश कर रही है। और ये देखें ये दरवाजे बिल्कुल लॉक किए हुए हैं, बंद है, अजीबो गरीब आवाजें आ रही हैं और पीछे से जैसे हमें डराने की कोशिश की जा रही है। ये इधर इधर से आए ना जी, इधर से आइए, इधर से आ गए। क्या हुआ यार इधर में देख, पता नहीं क्या चीज़, पत्थर तो नहीं लग गया? ये देखिए नजरें, ये देखिए इधर इधर ये आवाज कहाँ से आई थी? इस कमरे से आई है तकरीबन, नहीं उधर से आई है। ये देखिए जी ये अमर भाई जी जी, ये नीचे साफ नजर आ रहा है कि ये यानी कि ये पक्का फर्श लगा हुआ था, ठीक है, और अब उसी फर्श में ये देखिए ये पौधे उगाए हैं, तो जिससे साफ मतलब जहर हो रहा है। ये देखिए ये क्या चीज है कि लोग यहाँ से कूच मकानी कर चुके हैं और पता नहीं कितना अरसा हो गया है। हमें बताया गया कि यहाँ से ये तकरीबन 160-170 साल ये पुरानी इमारत है, लोग यहाँ पे रहते थे, आबाद थे, हंसते बसते थे, तो अब जो है ना बिल्कुल जो है ना, ये क्या चीज है, ये दिखाई, ऐसा महसूस होता है क्या चीज है ये? इस कमरे से आवाज आई है इससे? ये तो कमरा भी लॉक है, कमरा लॉक है। फिर से आई ये दिखाएंगे, ये मुझे ये इसमें कुछ जो है ना लग रहा है कोई मामला है, इधर लेके मुझे तो इस कमरे में कुछ महसूस हो रहा है। इसके ऊपर लेके ये आवाजें आ रही हैं इधर, ये देखें ये क्या गया है, ये चीज ये देखें, ये कैमरे में लगा लेंगे, कैमरे में इसको कैप्चर करें। भागी है, है? भागी, पता नहीं क्या, मेरे साथ में कुछ और भी है,
जी जी नहीं यार उसी कमरे में है यार जो भी है उसी कमरे इधर क्या है इधर क्या है कमरा भी बाहर से लॉक है कैमरा ये देखिए लॉक है कमरा कुछ चीज है इधर प्लीज हमसे बात करें ये देखें प्लीज हमसे बात करें आप हमसे बात कर सकते हैं मेरे हिसाब से ये किसी का ना सींग वगैरह ऐसा ही लग रहा है इधर से ज्यादा आवाजें आई है और ये जरा दिखाइए क्या लिखा हुआ अजीब सी इमारत है ये बाल है किसी चीज के और भाई ये देखे ये बाल कितने अजीब से ऐसे लगता है किसी अजीब सी मखलूक के बाल हैं ये तो ऐसे ही लग रहा जो भी है मेरे हिसाब में इस कमरे में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है वो लगा लाइट लगा लाइट लगा सुनो अच्छा इधर से आप गुजर सकते हैं इधर है इधर है ये देखिए बाहर आ जाए बाहर आ जाए बाहर आ जाए जल्दी 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 क्या चीज है क्या चीज है देखिए हम आपको तंग नहीं कर रहे परेशान नहीं कर रहे तुम्हारा ये मकसद भी नहीं है इधर आने आ रहे हैं ये देखिए आगे है आगे ये जरा अपना ये आपको नाजी ये आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग रैश पजीर थे इसको क्लोज से रहे और जरा क्लियर करके ये आज तक कुर्सी लिखी हुई है मुझे सांस चल गई यहाँ पे लोग रिहायश पजीर थे इसीलिए लोग यहाँ से छोड़ के चले गए सर देखिए प्लीज हम आपको तंग नहीं कर रहे हैं परेशान नहीं कर रहे हैं हमारा मकसद भी ये नहीं है ना ही हम तुम्हें किसी तरह से डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं ये क्या है इसको जरा ये भी अजीबो गरीब चीज है ये भी कोई अजीबो गरीब चीज है ये आज आज बाहर की जानिब चलते हैं जरा
बेहतरीन आपने देखा, आपने आवाज़ें सुनी और किस तरह जो है ना हमें वो डराया जा रहा है और किस तरह की जो है ना, हम तो बार बार यही कहते हैं कि अगर कोई चीज़ है, देखिए हमारा ये मकसद नहीं होता, हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आते हैं, ना रहश करने के लिए आते हैं, ना हमारा मकसद यहाँ रहने के लिए होता है, और ना ही हम ये चाहते हैं कि आपको तंग करें या आपको परेशान करें, ये हमारा मकसद नहीं होता। ठीक है, तो देखिए नाज़रीन, इस कमरे से तो यकीन करो ऐसे, ये अमर भाई मुझे यकीन करो ऐसे पीछे से जैसे कि कोई खींचता है ना, ऐसे मेरे कपड़ों को पकड़ के मुझे बिल्कुल ऐसे भी महसूस हो रहा था और मेरी सांस ऐसे बंद हो रही थी। तो मेरा ख्याल है इधर आइए, ये एक दूसरी इमारत है, इधर आइए। ये इमारत एक और है, इसका जो कमरा है इधर आइए। ये अमर भाई ये दिखाएगा, ये भी ऐसे जैसे किसी चीज का होता है, कुछ सींग वगैरह या क्या चीज है। इधर आगे 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 अमर भाई, आगे इधर आगे आगे, आगे। इन कमरों में तो बदबू बहुत ज्यादा, ये देखिए पता नहीं क्या जलाया हुआ है और क्या, हमने ये देखिए ये दिखाएं जरा थोड़ा, और ये देखिए ये बाइक की तरफ, ये क्या है? हाथ अपना दिखाएं, ये देखिए मेरे हाथ पे चोट, ये आपको नजर आ रही जी, इसको जरा करीब से ले, ये देखिए मेरे हाथ पे लगी और कितनी मुझे जो है मेरे हाथ अभी उंगलियां भी नहीं सीधी हो रही, ये देखिए इसका भी बिल्कुल ऐसे जैसे। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ से चलती हैं क्योंकि हम इनको ज्यादा, ये हमें शायद कोई नुकसान ना पहुंचा दें। मेरा तो यही मानना है। ये कहां से है? कोई है? ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये देख। हम्म, ये क्या चीज है यार? खुला तो है, खुला इधर आ जाए, इस कमरे से ज्यादा आगे आ रही थी। कोई है? देखिए हम आपको परेशान करने के लिए नहीं आए, हम आपको ये देखो अब दोबारा फिर दरवाजा खुला हुआ, ये देखो अब ये ऐसे बंद था। अच्छा मैं ये चीजें देख रहा हूँ, ये फिर से बात, फिर बात ये इधर थोड़ा सा दिखा दे, थोड़ा सा बाइक की जानी बाजू, इसके अंदर नहीं जा सकते, इसके अंदर नहीं जा सकता, ये नजरीन देखें, नजरीन देखिए जो भी हमने वीडियो अब तक कैप्चर की कर सकते थे कि इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आज तो बहुत ज़्यादा जो है ना हमें मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए दोबारा जो है ना अच्छी से अच्छी लोकेशन और अच्छी से अच्छी वीडियो पेश करें, लेकिन आपने देखा कि हमें किस तरह परेशान किया जा रहा है, तो काइंडली वी आर अपोलोजाइज, तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं।
नेक्स्ट एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स, और अपने होस्ट राणा नसीर अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।